सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है कि महाराज रघुगण को जड़ भरत जो शिक्षा दे रहे हैं, ये विस्तृत रूप से इस अध्याय में वर्णित किया गया है। ये श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 11 अध्याय है। इसमें महाराज जड़ भरत ये बात बोल रहे कि हे महाराज, आप अपने आप को विद्वान होने का दिखावा बस कर रहे हैं, यद्यपि आप विद्वान का कुछ भी क्वालिटी आपके पास नहीं है। क्योंकि विद्वान का सबसे पहला क्वालिटी यह होता है कि सभी जीव को समदृष्टि से देखता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गविहस्तिनी सुनी चैव सपा के च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित होता है, जो विद्वान होता है, वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आप तो ऊंच नीच छोटा बड़ा का भेदभाव है, जिसके कारण आप वास्तविक रूप से विद्वान नहीं है। आप दिखावा कर रहे विद्वान होने का, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पास कुछ ज्ञान नहीं है। क्योंकि आपका यह मन ही आपको पुनर्जीवन के चक्र में बारंबार घुमाता रहेगा। क्योंकि अनियंत्रित मन व्यक्ति को पूर्ण रूप से नरक की ओर ले जाता है। इस भव संसार में उसके बांध के रखता है ये मन ही व्यक्ति के उद्धार का मार्ग है। ये मन के द्वारा व्यक्ति इस जगत में बद्ध रहता है, मन के द्वारा ये मुक्त होता है। अतः इस मन को जब तक कोई नियंत्रित नहीं करता, तब तक वो असफल होता रहेगा। बारंबार जन्म मृत्यु के इस चक्र में बारंबार वो असफल होता है। आपका ज्ञान, आपका बुद्धि उस कर्म कांडीय ब्राह्मण की तरह है। राजा रघुगण को जड़ भरत उपदेश दे रहे, क्योंकि कर्मकांडीय ब्राह्मण का उद्देश्य सिर्फ इस देह से लेकर, सिर्फ शरीर से लेकर उनका इंद्रिय तृप्ति का सीमित साधन होता है। उसको ये पता नहीं रहता कि जब ये शरीर मिट जाएगा, तब मुझे एक दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस शरीर रूपी चक्र से, भव संसार से उद्धार होकर भगवान के धाम को चले जाए, इसका ज्ञान उस कर्मकांडीय ब्राह्मण का होता नहीं। बल्कि वो यज्ञ करता है, हवन करता है और स्वर्ग भोग आदि इसी संसार में भोग की इच्छा प्रकट करते हैं और उसी में वो बद्ध रहता, बारंबार वही करता रहता है। उनको ज्ञान नहीं होता इस भौतिक भोग के परे भी कुछ है। तो आपकी जो धारणा, आपकी जो इच्छा, सेम वही है। क्योंकि व्यक्ति को झूठा ही अपने आप को गर्वित अनुभव करना, ये माया का एक प्रकार का खेल है। सपनों में हम लोग कभी राजा बनते हैं तो कभी भिखारी, तो कभी आकाश में हम लोग उड़ते हैं तो कभी पानी में तैरते हैं। तो हमारा असली उद्देश्य क्या है जीवन का? ये मन हम लोगों को भौतिक इंद्रिय विषयों में इतना लगाते हैं कि हमारा जो मूल लक्ष्य है, कृष्ण भावनामृत को जागृत करना, ये मनुष्य जीवन मिला है ये कृष्ण भावनामृत को पुनः जागृत करने के लिए, हम लोग उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो आप जो अभी इस राजा के शरीर में हैं, कभी मैं भी राजा था, लेकिन ये जो भौतिक बंधन, प्रकृति का नियम, कभी हम लोग अपने आप को राजा अनुभव करते तो कभी भिखारी। लेकिन सच्चाई ये कि हम सभी भगवान कृष्ण के साथ साथ दास हैं। जब हम लोग इस स्थिति को भूल जाते, तभी हम लोग माया के दलदल में जन्म जन्मांतर, जुगों जुगों तक, अनेकों वर्षों तक इस भौतिक बंधन में प्रकृति हमें बांध के रखते हैं। तो इसीलिए हमारा परम कर्तव्य है उस पुनः कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए साधु संतों की, महात्माओं का सेवा करना। क्योंकि जब तक हम लोग किसी महात्मा की सेवा नहीं करते, जब तक किसी भगवान के शुद्ध भक्तों का चरण कमलों के आश्रय नहीं लेते, तब तक हमारा गति नहीं है।
इसी विषय में श्री नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य की महत सेवा महत सेवा के बिना कोई भी उद्धार नहीं पाए, कोई भी संसार से निस्तार नहीं पाए महत सेवा के बिना। इसलिए महत सेवा बहुत ही जरूरी है। अभी प्रश्न उठता है महत कौन है। महत का अर्थ होते भगवान है महान, और महान शब्द से महत शब्द आया है। तो जो महान की सेवा करते उसे कहा जाता है महत। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जो प्रचार प्रसार में लगे हुए है, भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं, उसको कहा जाता है महान। तो इस महत सेवा के द्वारा ही व्यक्ति आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं साधारण एग्जाम्पल के माध्यम से भी, अगर कोई राष्ट्रपति से मिलना चाहे या प्रधानमंत्री से, तो डायरेक्ट उनके रूम में नहीं जा सकते, उससे पहले बहुत सिक्योरिटी व्यवस्था रहती है। सिक्योरिटी से परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके पर्सनल असिस्टेंस पीए से बात करना पड़ता है, वो अगर आपको रिकमेंड करे तभी कोई राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से मिल सकता है। तो जब इस साधारण क्षेत्र में ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में जब ये लागू हो सकता है, तो भगवान क्या है। भगवान तो राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराज, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, भक्तारम यज्ञ तपसांग सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम समस्त जगतों का परमेश्वर मालिक, वही प्रधानमंत्री। तो उनके सामने कुछ भी नहीं। तो उस भगवान को प्राप्त करने के लिए किसके सहायता जरूरी है, गुरु की, भगवान के शुद्ध भक्त की। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कर्ण भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पर भक्ति लता गई। मतलब इस ब्रह्मांड में अनेकों जीवात्माएं भ्रमण करते हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, तो उनमें से कोई भाग्यवान जब किसी भगवान के शुद्ध भक्त की शरण में आता है, उनके चरण कमलों का कृपा को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को, श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। कैसे? उस वैष्णव की इच्छा को पूरी करने के माध्यम से। इसीलिए भागवतम में बारंबार हर जगह ये दृष्टांत दिया गया है, और भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि तद्विद्धि परनिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः, कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो सत्य का दर्शन कौन करा सकते हैं, जो ऑलरेडी सत्य का दर्शन कर चुके। और सत्य का दर्शन क्या होता है? सत्य मतलब भगवान, परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, सत्यम परम धीमहि, भगवान परम सत्य है। परम नॉट ओनली सत्य, परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो उस परम सत्य को दर्शन करने की जो विधि है वो है स्रोत पंथा। क्योंकि सभी चीज आंखों से देखी नहीं जा सकती, कुछ कुछ चीजें है जो कान के माध्यम से देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। तो भगवान को, भगवान है एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य। और भगवान को देखने के लिए हमारे चमड़े के आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कुछ कुछ भौतिक वस्तुएं भी इस संसार में जो हमारी इस आंखों के द्वारा दिखाई नहीं जा सकती। हवा को हम लोग नहीं दे सकते, मन को नहीं दे सकते, जबकि ये भौतिक है। तो भगवान तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल, फुल्ली एब्सोल्यूट। तो आध्यात्मिक को कैसे देखा जा सकता है? शास्त्रों का मत है और विद्वानों का कहना है कि अगर कोई स्रोत पंथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा, गुरु परंपरा द्वारा से जो ज्ञान हम सबको प्राप्त हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण से, ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, तो ये जो व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथ की रचना रचयिता है, उन्होंने लिखा, अगर वो सब चीज़ को हम लोग श्रवण करेंगे कान के माध्यम से, उसको अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे बुक्स को, ग्रंथ को,
तो हम लोग वास्तविकता को समझेंगे और परम सत्य का दर्शन करेंगे, क्योंकि परम सत्य का दर्शन आँखों से नहीं कानों से होता है। और श्रील व्यासदेव भगवद गीता, भागवतम, महाभारत, पुराण, अखंड अनंत संहिता, अनंत पुराण की व्यवस्था की है। तो हम सबको समय निकाल कर वो सब का अध्ययन करना है, तभी हमारे मनुष्य जीवन सार्थक होगा। क्योंकि मनुष्य जीवन सार्थक तभी होगा जब हम लोग भगवत दर्शन करेंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जन्म सार्थकता कृष्ण दर्शन जाए, जिसका कृष्ण दर्शन हो चुका है उसका जीवन सार्थक हुआ। तो हमारे मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा जब हम लोग कृष्ण का दर्शन करेंगे। और कृष्ण का दर्शन का अर्थ होता है सत्य का दर्शन, और सत्य का दर्शन कब होगा जब हम लोग ये सब शास्त्र ग्रंथों की वाणी को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। शास्त्र ग्रंथों की वाणी को परम सत्य रूप में हम लोग कान के माध्यम से श्रवण करेंगे और उसके एक्सेप्ट करेंगे 100%, तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा, तभी हमारा कृष्ण दर्शन होगा। कृष्ण दर्शन हुआ मतलब हमारा जीवन सार्थक हुआ। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, जो जड़ भरत महाराज रघुगण को जो ये शिक्षा दी श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 11 अध्याय में आता है। आप सब भी ये सब को अध्ययन कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में आने के लिए। हरे कृष्ण।